नाम आशुतोष आशुतोष बेसिक कॉमर्स पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको लीवरेज के कुछ टिप्स बता देता हूँ और उसका फॉर्मेट और फार्मूला बता देता हूँ। बहुत ही आसान तरीके का ये टॉपिक है। अभी आपको मैं लीवरेज के फॉर्मेट बता देता हूँ और फॉर्मेट के साथ फार्मूला भी बता देता हूँ। लीवरेज यानी एक ऐसा टॉपिक है जैसे आपको आप रेवेन्यू कह सकते हैं उसको, कॉस्ट भी कह सकते हैं और स्टॉक भी कह सकते हैं। तो ये बेसिकली बिजनेस में बहुत इसका यूज हो जाता है। तो देखो इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। ये देखो सबसे पहले पर्टिकुलर और अमाउंट दो कॉलम करना पड़ता है। वो दो कॉलम करने के बाद सबसे पहले सेल्स, जितना भी सेल्स क्वेश्चन में है वो आपको पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद दो कॉस्ट रहती है, वो तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी। एक तो रहती है वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी रहती है फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका भी यहाँ पे हमको यूज़ करना है। वेरिएबल कॉस्ट को भी हमको लेस करना है और जब हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो हमको मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ही फॉर्मूले डिपेंड है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट आती है। आपको पहले बताया था कि दो कॉस्ट रहती है, एक तो वेरिएबल और एक फिक्स्ड। फिक्स कॉस्ट भी ऐसे ही है, वो भी लेस करनी पड़ती है इसमें। और वो लेस करने के बाद हमका आपका आंसर आ जाएगा EBIT और PBIT। यहाँ पे दोनों इसीलिए लिखा है मैंने कि बहुत जन अर्निंग बिफोर इनकम और टैक्स कहते हैं और बहुत जन प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स कहते हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों के दोनों लिखे हैं। तो ये जब आंसर आएगा तो इसको कहते हैं EBIT और PBIT। उसके बाद हम जब इंटरेस्ट लेस करेंगे तो साहजिक है जो ऊपर में लिखा है वैसा ही EBT और PBT, यानी यहाँ का II कट जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट हमने लेस कर दिया है। तो इसका भी मीनिंग वैसा ही है, EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये आंसर आ जाएगा। ये आखिरी तक कौन सा भी क्वेश्चन जितना भी बड़ा रहेगा छोटा रहेगा ये फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा, उसको बदल नहीं हो जाएगा। अब मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज ये तीनों पूछते हैं। यदि बड़ा क्वेश्चन है तो तीनों के तीनों पूछेंगे, नहीं तो दो नहीं तो एक, कौन सा भी। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला ऐसा है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, यानी हमने जो कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला है वो अपॉन EBIT, यानी ये जो EBIT निकाला है वो, ये फार्मूला। उसके बाद यहाँ से आंसर जब निकलेगा तो वो टाइम्स में आता है, कभी भी वो यूनिट्स में नहीं आता। वैसा ही फाइनेंशियल लीवरेज है, उसका ही आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला है जैसा EBIT अपॉन EBT, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ये ऊपर का जहाँ पे आंसर में आया है वो, और उसके नीचे EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। ये हमने किया तो हमें फाइनेंशियल लीवरेज आराम से मिल जाएगा। उसके बाद रहता है कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज और उसका आप कह सकते हैं कंपोजिट लीवरेज भी कह सकते हैं, दोनों नाम सेम ही हैं। तो इसका मीनिंग ऐसा है कि इसमें ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज ये दोनों मिक्स करके इसका आंसर आता है। तो इसका भी फार्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, यानी वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे जो है वो अपॉन EBIT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स, ये आपने लिख दिया कि तो आपका कंबाइंड लीवरेज और कंपोजिट लीवरेज आएगा। यदि आपका फॉर्मेट में से यदि आपने ये फॉर्मेट किया तो आपका आंसर नहीं गलत निकलेगा, और इसमें से आपने कुछ गलत किया तो आपका आंसर आराम से चूक जाएगा। और यदि आपने आपका EBIT और EBIT और कंट्रीब्यूशन गलत निकला तो आपके फॉर्मूले से भी कोई भी आंसर गलेगा, रॉन्ग निकलेगा। तो यहाँ पे एक मैंने एक टिप दी है, स्टार मार्क लगा है कि आंसर ऑफ लीवरेज इज इन द फॉर्म ऑफ टाइम्स, यानी ये जो आंसर आता है वो हमेशा टाइम्स में ही आता है, इसमें यूनिट नहीं आता। यदि आपने ये लिखा नहीं क्वेश्चन में तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सिंपल टॉपिक है। अभी आपका मैंने लीवरेज के फार्मूले और फॉर्मेट बता दिया है। यदि आपने इसका यूज़ किया तो आपका आंसर गलत नहीं निकलेगा। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को यदि क्लिक नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, मेरे जितने भी नए नए वीडियो आ जाएंगे तुरंत आपको दिखाई देंगे। धन्यवाद।